हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डहरिया ट्यूटोरियल पे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर होगा बहुत बेसिक, और मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिसके अंतर्गत आपको जो बेसिक बेसिक चैप्टर है उसके पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरा उसका लेक्चर करवाऊँगा बच्चों, ताकि आपको कोई भी सवाल करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। ओके बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नंबर सिस्टम के ऊपर, नोटेशन, बेसिक नोटेशन कि किसको किससे डिनोट करते हैं, बेसिक रेशियो, एलसीएम, एलसीएफ, टू एंड थ्री इक्वेशन सॉल्विंग। ओके बच्चों, इसमें केवल हम बेसिक आइडिया बस लेंगे ताकि हमें कोई चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। जैसे कोई रेशियो के ऊपर कोई प्रॉपर्टी फंसा दिया या एलसीएम एलसीएफ के ऊपर कोई प्रॉपर्टी फंसा दिया तो कोई दिक्कत ना आए। ओके बच्चों, इसलिए हम बेसिक आइडिया लेंगे, और बाकी जब हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रेशियो हो गया, नोटेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इक्वेशन सॉल्विंग हो गया। ओके बच्चों, सेकंड है हमारा लॉग के बारे में आइडिया लेंगे, लॉगरिथम फंक्शन किसे बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। वेक्टर, वेक्टर तो हम बच्चों क्लास 12 में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको बेसिक आइडिया दूंगा ताकि आपको कहीं कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वेक्टर वेक्टर फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ता है। ओके, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हम 12 में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ओके बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रिविजन करेंगे जो कि आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो सब चीज़ भूल गए होंगे, उसके लिए लेक्चर है। ओके, तो उसमें पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला प्रॉपर्टी पूरा डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद हम बेसिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, अगर कोई एस इंटरसेक्ट करता हुआ एक लाइन है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये सब जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सब हम इस सीरीज के दौरान पूरा कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम, नोटेशन, रेशियो, एलसीएम एचसीएम, टू एंड थ्री इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर। ओके बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम नोटेशन को देख लेते हैं। नोटेशन में हमें क्या क्या जानना है, नोटेशन। ओके बच्चों, नोटेशन में जो पहला नोटेशन हम लोगों को जानना है वो है समेशन का। ओके, ये है समेशन का नोटेशन। अगर मैंने लिखा ए आई और आई वन से लेके के तक, तो ये हो जाएगा वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ऐसे करते करते कब तक प्लस करेंगे, ए के तक। ओके बच्चों, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये आपको नोटेशन समेशन का याद रखना है। ओके, और देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का, ये केवल मतलब ये थोड़ा पाई की तरह होता है ऐसे टाइप का। ओके, इसमें जैसे मैं लिखता हूँ ए वन से लेके के तक, तो इसको हम लिखेंगे ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए फोर, ऐसे करते करते ए के तक। ओके बच्चों, तो ये दोनों आपको नोटेशन याद रखने हैं, ये समेशन का होता है, ये प्रोडक्ट का होता है। ओके बच्चों, और बाकी तो नोटेशन कई प्रकार के हैं, जैसे कि इसका मतलब आप ये तो ई हो गया, लेकिन इसको बोलते देयर एग्जिस्ट, ये हो गया सबसेट का नोटेशन, ये हो गया बिलोंग्स टू का नोटेशन। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसके अंतर्गत जितने नोटेशन होंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा लेक्चर के पहले। ओके बच्चों, इसमें केवल जो मेन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा समेशन का और सेकंड है प्रोडक्ट का। ओके बच्चों, तो आइए इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग क्या क्या कहता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन में हम पहले टू इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके बच्चों, तो जैसे कि मैं कोई टू इक्वेशन लिखता हूँ, दो अननोन क्वांटिटी वाला, तो पहला है 5x
प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने प्रीवियस क्लास में सीख ही चुका होगा कि पहले एक्स के या वाई के कोएफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर कर देंगे, उसके बाद कोई एक को कट कर देंगे, फिर दूसरे का आंसर निकालेंगे, फिर दूसरे का आंसर निकाल के पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में पुट करके वो एक्स या वाई का आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि दो इक्वेशन हो या तीन इक्वेशन हो तो उसको मैट्रिक्स के थ्रू कैसे क्या कहते हैं सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू माइनस 2। ओके बच्चों, और ये हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिख देंगे 5, ये हो जाएगा 7, ये 4 और ये 6, मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। ओके, और x y को लिख देंगे हम x y मैट्रिक्स के अंदर। ओके, इक्वल टू इन दोनों को भी मैट्रिक्स में लिख देंगे माइनस 2 माइनस 3। ओके बच्चों, अब देखते हैं, इसको हम बोल देते हैं, इसको ये a हो गया और ये हमारा x हो गया, और ये इसको मान लेते हैं ये b हो गया। ओके, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x और y की, मतलब तो b a इनवर्स। ओके, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो आइए पहले मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, फिर ये देन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो मैट्रिक्स जैसे कि मैंने लिखा A1, A2, A3, A2, A3, 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 A3। ओके, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। ये हॉरिजेंटल जो है उसको रो बोलते हैं, वर्टिकल जो है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रो कितने हैं इसके, 3, 1, 2, 3, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 × 3, मतलब 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, ओके, तो अब देखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू निकालना देखते हैं। ओके बच्चों, तो ए इनवर्स निकालने के पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, मतलब ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो ए मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो एडजॉइंट निकालते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है, 5, 7, 4, 6। ओके, 5, 7, 4, 6। ओके बच्चों, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को देखेंगे। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 का जो वर्टिकल है उसको छुपा देंगे और जो हॉरिजेंटल उसको छुपा देंगे, कुछ ऐसा। तो यहाँ कौन सा नंबर बचा, 6, तो 6 को लिख लेंगे। ऐसे ही 7 के लिए करेंगे, 7 के जो हॉरिजेंटल वर्टिकल है उसको छुपा देंगे, हॉरिजेंटल को छुपा देंगे। बचा कौन सा, 4, तो 4 को लिखेंगे। अब 4 के लिए करेंगे, तब तो ये वाला और ये लाइन, ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल हट जाएगा, बचेगा 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। ओके, और यहाँ जो 6 है तो 6 के लिए भी ऐसे करेंगे, ये और ये, 5 बचा, 5 लिखेंगे। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग देखिए अल्टरनेट लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके,
इस टाइप लिखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ प्लस तो ही है, यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ तो प्लस है ही है। ओके, अब जो ये आ गया इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ओके बच्चों, मतलब जो रो में लिखा है उसको कॉलम में भेज देंगे और जो कॉलम में है उसको रो में कर देंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो इसको 6 माइनस 4 ऐसे लिख देंगे, और -7 और 5, तो -7 और 5। अब ये ओवरऑल निकल गया, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकल गया। ओके बच्चों, अब इनवर्स निकालना है हमें, ए इनवर्स तो, और मॉड, अब मॉड ए निकालेंगे, मतलब ए की इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखिए, मॉड ए इक्वल टू 5 6 जा 30 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, आर, ओके 5 6 जा 13 माइनस 4 7 जा 28, तो ए की वैल्यू निकल गई 2। ओके, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू वो हो गई 1/2, 6 माइनस 7 माइनस 4 5। ओके ओके बच्चों, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, एक्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स कितना निकला है, 1/2 6 माइनस 7 माइनस 4 5। ओके, और बी मैट्रिक्स क्या है, -2 2 -3। ओके बच्चों, मैट्रिक्स बी -2 -3। ओके, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। हाफ को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, 6 2 जा -12, 6 -2 -12 और -7 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 21। ओके ओके बच्चों, और अब देखेंगे सेकेंड सेकेंड रो सॉरी सेकेंड रो का। ओके, तो -4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15। ओके, एक्स इक्वल टू हाफ -12 प्लस 21 ये हो जाएगा 9, और प्लस 8 -15 ये हो जाएगा -7। ओके, तो एक्स इक्वल टू हो गया 9/2 -7/2। तो ये एक्स हम लोग किसको सपोज किए थे, एक्स वाई। ओके, तो ये निकल गया 9/2 -7/2। ओके, तो एक्स की भी जो वैल्यू आ गई 9/2 और वाई की जो वैल्यू आ गई -7/2। ओके, तो आइए अब देखते हैं, थ्री इक्वेशन हो और थ्री अननोन क्वांटिटी हो तो उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, थ्री इक्वेशन, तो जैसे मैं कोई थ्री इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10, और एक ले लेता हूँ 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन RD शर्मा से उठाया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं।
तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए एक्स का कोफिशियंट 1 है, वाई का 1 है, जेड का -1। यहाँ सेकंड इक्वेशन में देखेंगे 2, 3 + 1। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे 3 - 1 - 7। अब एक्स वाई और जेड को लिखेंगे, एक्स वाई जेड। अब कॉन्स्टेंट को लिखेंगे 3, 10, 1। ओके बच्चों, अब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और इसको लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं बी है। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालेंगे। बच्चों तो आइए इनवर्स निकालते हैं ये वाले मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स है 1, 1 - 1, 2, 3, 1, 3 - 1, -7। बच्चों ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, क्योंकि ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए और मॉड ए होता है। बच्चों तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं पहले, या मॉड ए मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, ये कौन सी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है, क्योंकि रो में भी 3 एलिमेंट है और कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 3 × 3 रो × कॉलम। बच्चों तो 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है ये। अब मॉड ए निकालेंगे, तो जो मॉड ए होगा तो सबसे पहले इसको लेंगे, या आप ऐसे सॉल्व करें या आप ऐसे सॉल्व करें, बात एक ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं 1 को ले लिया। अब 1 का मैं कोफैक्टर लूँगा। अब कोफैक्टर कैसे, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छोड़ के ये दोनों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन को मैं छोड़, या ये आप देख सकते हैं 1 को मैं लिया तो 1 के रो को छोड़ दूंगा, कॉलम को। मेरे पास बचा 3 + 1 - 1 - 7। अब इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे। तो ये हो जाएगा -21 और -1 और 1 -1, तो ये हो जाएगा +1। अब मैं माइनस लूँगा कैसे, पहले प्लस लूँगा, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस। तो +1, फिर इन दोनों को कर दिए। अब -1 लूँगा, इसके लिए -1, माइनस दिया जाता है। -1 लूँगा। अब इसको और इसको, मतलब इसके जो कॉलम है उसको छोड़ दूंगा और इसका जो रो है उसको छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों का, 2, 3 और 1, 7 का। तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 3 × 1 = 3, तो -3। बच्चों सॉरी, यहाँ 7 × 2 = 14 और 7 माइनस का है ना, इसलिए -14। बच्चों और प्लस, अब प्लस यहाँ प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया, मैं फिर प्लस लूँगा और प्लस यहाँ माइनस लिखूँगा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ भी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस, अब इसको अब ये वाला +1 लिया हूँ तो इसके लिए इसके रो को छोड़ दूँगा, इसके कॉलम को छोड़ दूँगा और इसके रो को छोड़ दूँगा। अब इन लोगों का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 - 1 - 2, माइनस, अब माइनस लिखूंगा, 3 × 3 = 9। बच्चों अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 8
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालूंगा। ओके, तो अब मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ। एक बार मैट्रिक्स ए को फिर एक बार लिख लेते हैं। 1 1 -1, 2 3 1, 3 -1 -7। ओके बच्चों, अब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो आप प्लस माइनस तो ध्यान में ही रखिएगा, उसके पहले आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग 1 के लिए क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। ओके बच्चों, 1 के लिए, 1 के लिए, तो अब बच्चा हम लोग के पास 3 1 -1 -7, तो 3 7 -21 -21 -21 -1 1 -1, तो ये हो जाएगा +1 20। अब 1 के लिए, अब 1 के लिए मैं इसको पूरा छोड़ दूंगा कॉलम को, और ये पूरा छोड़ दूंगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल को छोड़ दूंगा। ओके बच्चों, तो 1 के लिए अब इसको 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 देखेंगे, तो 2 2 7 14 14 -14 माइनस लगा, इसलिए 2 7 -14 -14 और -3 1 3। ओके, तो ये हो जाएगा, -2 7 -40। ओके, 2 7 -14 और 2 7 -14, तो ये हो जाएगा 70, -70। ओके बच्चों, ये हो जाएगा -70। देखिए, 2 7 -14 और -3 1 3, मतलब -3 -70। ओके, अब -1 के लिए देखेंगे, तो ये इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ओके बच्चों, ये वाला रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे -1 के लिए, तो 2 1 2 -2 -3 3 3 9, तो -2 -9 -11। ओके बच्चों, -11। ओके, इसी तरह हम 2 का करेंगे, तो 2 का हो जाएगा, 2 के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसको मतलब 2 के जो सामने जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के लिए अब -1 7 जा अरे सॉरी 1 1 इंटू -7 -7 -1 इंटू -1 +1, तो -7 +1 कितना होगा, -7 -1, तो ये हो जाएगा 8 -8। ओके बच्चों, देखिए 1 7 जा 7, तो माइनस लगा दिए। अब -1 इंटू -1, तो ये +1 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया ये -8। इसी प्रकार अब 3 का करेंगे, तो 3 का हॉरिजेंटल वर्टिकल को छोड़ देंगे, मतलब इसको इसको छोड़ देंगे, तो 1 7 जा 7 -7, 3 1 जा -7 और -3 कितना हो जाएगा, -3 को जस्ट वेट, 3 के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -7 और +3 -7। 1 7 जा -7 -7 -3 1 जा 3 -3, मतलब -7 -3, तो ये ओवरऑल हो जाएगा -4। ओके बच्चों, -4। अब 1 के लिए देखेंगे, ये वाले 1 के लिए इसके हॉरिजन और वर्टिकल और हॉरिजेंटल को छोड़ देंगे, 1 1 जा 1 -1 3 1 जा 3 -3, तो ये हो जाएगा -4, ये हो गया -4। ओके बच्चों, अब 3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए वर्टिकल को छोड़ देंगे, हॉरिजेंटल को छोड़ देंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 -3
-1 कितना हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा 4। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार -1 इसके लिए करेंगे, तो ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ देंगे। ओके ओके बच्चों, 1 के लिए करेंगे तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़ देंगे, तो अब ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 into -1, तो पहले माइनस लगा लेंगे, -2, तो ये हो जाएगा 3। ओके ओके बच्चों, समझ सकते हैं आप। अब लास्ट हम लोग -7 का करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, मतलब -7 के वर्टिकल को छोड़ देंगे, हॉरिजेंटल को छोड़ देंगे। अब देखिए 1 3 जा 3, -1 3 जा 3, -2 1 जा 2। ओके, और तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1। अब मैं आपको बताया था बच्चों प्लस माइनस अल्टरनेट लिखना है, मतलब इसको प्लस लिखना है, इसको माइनस लिख देना है, इसको प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। ओके, नेक्स्ट सीख लेते हैं हम। तो हम लोग का एडजॉइन जो है, एडजॉइन ए जो है वो आया है 20 -70 -11 -8 -4 -4 4 3 1। ओके, अब इसको अल्टरनेट प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे और प्लस माइनस के फॉर्म में। ओके बच्चों, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो अब देखिए 20 20 को प्लस में लिखेंगे 20 ही रहेगा, -70, अब यहाँ पे जब माइनस डालेंगे तो +70 हो जाएगा। ओके, और -11 प्लस डालेंगे तो -11 ही रहेगा। ओके, -8 प्लस डालेंगे तो -8 ओके, -4 प्लस डालेंगे तो -4 ही रहेगा, -4 माइनस डालेंगे तो +4 हो जाएगा, -4 प्लस डालेंगे तो +4 ही रहेगा, मतलब डालेंगे मतलब उससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से या प्लस से। ओके, 3 3, ओके, तो 3 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 1 में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है, क्या कर देना है बच्चों, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मतलब जो रो में लिखा है उसको कॉलम में और जो कॉलम में लिखा है उसको रो में। ओके, तो ये हो गया 20 70 -11, और ये हो गया 8 -4 +4, अब इसको लिखेंगे तो 4 -3 1। ओके, अब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। x का क्या बोलता है, BA इनवर्स। ओके बच्चों, और A इनवर्स क्या, वो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट्स ऑफ A अपॉन मॉड A। ओके, तो सबसे पहले हम A इनवर्स को लिख लेते हैं। A इनवर्स से मॉड A कितना आया है हम लोगों का, 8 आया है, 1/8। एडजॉइंट को लिख लेते हैं 28 4 70 -4 -3 -11 +4 1, और बी क्या है, बी आप देख सकते हैं, बी किसको लेट किए थे हम, 3 10 1। ओके, तो 3 10 1 को। ओके बच्चों, ओके बच्चों, एक्स को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि न्यू शीट मैंने लिया है। तो ये हो गया 1/8/20+8 4
सेवेंटी माइनस फोर माइनस थ्री माइनस इलेवन फोर वन, और बी कितना, ये तो हम लोग का पूरा हो गया ए इनवर्स, और बी क्या है थ्री टेन वन। ओके बच्चों, ओके अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वन अपॉन एट देख लेते हैं आज हम। 23 जा 60, 8 10 जा 80 प्लस, ओके 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 बच्चों, वेरी वेरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ गलती कर दिया, 20 होगा यहाँ पे, माइनस 20 होगा, 20 तो होगा ही, माइनस 20 होगा। ओके बच्चों, ओके यहाँ माइनस 20 होगा, गड़बड़ी कहाँ से हुई थी, आइए देखते हैं। अगर मैं वन का एडजॉइन निकालूंगा तो वन ये ऐसे, और रो को रोकूंगा, सॉरी रो और कॉलम को रोकूंगा, तो 3 7 जा माइनस 21 माइनस 1 1 जा 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 21 प्लस 1 तो माइनस 20। ओके बच्चों, तो मैंने थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करते टाइम कुछ गलती कर दी थी, उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ माइनस माइनस 20 रहेगा, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके बच्चों, और बाकी तो यहाँ कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो अब कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ माइनस 60 होगा। ओके बच्चों, और 70 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 माइनस 4 10 जा माइनस 14 माइनस 3 1 जा माइनस 3, ओके इसी प्रकार माइनस 11 3 जा माइनस 33 प्लस 4 10 जा प्लस 14 माइनस 1 1 जा प्लस 1, ओके सॉरी 1 1 जा प्लस 1। ओके बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 8 इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24, ओके ये हो जाएगा 8, ओके बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। ओके बच्चों, एक्स इक्वल टू, अब 8 का डिवाइड कर देंगे तो 24 का 8 से डिवाइड करेंगे 3, 8 का 8 से डिवाइड करेंगे 1, 8 का 8 से डिवाइड करेंगे 1, तो अंततः हमारी वैल्यू एक्स वाई और जेड की निकल चुकी है, जो कि है 3 1 1। ओके बच्चों, तो हमने इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू फाइंड की थी, एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू माइनस आर सॉरी 10, 3x माइनस वाई प्लस 72 नहीं है ये, 7z, 7z माइनस 7z इक्वल टू 1, इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड की है। ओके बच्चों, तो आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके तो अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम को, नंबर कई प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जो सबसे ऊपर, मतलब आप बोल सकते हैं जो सबका माई बाप होता है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो कि आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे आगे, इमेजिनरी आयोटा, ओके फिर आता है इसका सेकंड पार्ट है रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर का खेल खत्म हो जाता है, अब रियल नंबर का देखिए, रियल नंबर में दो नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीजर।
फ्रैक्शनल का जो पार्ट होता है डेसिमल फॉर्म में होते हैं फ्रैक्शनल, आप समझ रहे हैं फ्रैक्शनल किसे कहते हैं, 2.3 या 4/7, 2/3 या 4/7, ओके ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में आएगा। डेसिमल एक तो टर्मिनेट होता है, एक तो रिपीट होता है, मतलब 1 4 2 सॉरी 1 4 3 2, फिर 2 2 3 4, फिर 2 3 4, मतलब ये बार बार 2 3 4 रिपीट हो रहा, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ओके 2 4 3, उसके बाद 2 4 3 रिपीट नहीं, ये टर्मिनेट हो रहा है, 2 2 3 4 2 3 4, ओके बच्चों सॉरी 2 4 3 मैंने बोल दिया, 2 3 4 2 3 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ओके। और एक होता है जैसे 0.6666, तो ये इसको हम बोलेंगे रिपीट हो रहा है, ओके बच्चों। तो डेसिमल फॉर्म के भी दो फॉर्म होते हैं, एक तो टर्मिनेट होता है और एक जो रिपीट होता चला जाता है। और सेकंड आते हैं इंटीजर, इंटीजर तो आप जानते ही होंगे, तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है, ठीक है। इंटीजर के तीन पार्ट होते हैं, तो जीरो और पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर को मिला के होल नंबर बनता है, और पॉजिटिव नंबर को ही मतलब पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आइए देखते हैं नेचुरल नंबर के भी पार्ट। नेचुरल नंबर के भी चार पार्ट होते हैं बच्चों, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ओके। तो आइए सभी नंबर्स का एक एक बार रिवीजन करते हैं और जान लेते हैं कि किस क्या क्या क्या, क्या रीजन है जिसके वजह से उनका इतना बेहतरीन बेहतरीन नाम रखा गया है, ओके बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रियल नंबर के और इमेजिनरी नंबर के, जैसा कि मैंने आपको अभी चार्ट में दिखा रखा है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि a+bi, तो ये रियल नंबर हो गया, ओके ये हो गया रियल रियल, और ये जो हो गया ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ओके। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके बच्चों। तो आइए अब देखते हैं इमेजिनरी और रियल नंबर को। इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग इट्स रियल पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a+bi, जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, केवल आयोटा वाला फॉर्म रहे, मतलब आई हो जाए या ओके ये हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जैसे कि 4i, ओके प्लस 0, ये ओवरऑल पूरा कितना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, क्योंकि मैंने बोला रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम ये बोल देंगे कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है और रियल पार्ट 0 है। तो अगर रियल पार्ट 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर, ओके बच्चों। तो आइए रियल पार्ट रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर इंक्लूड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शनल एंड आल्सो द इरेशनल नंबर। जो पॉजिटिव नंबर को भी, पॉजिटिव इंटीजर को, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, इरेशनल, जो इन सभी को इंक्लूड करता है, मतलब जो इनके अंदर होता है, रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर होते हैं, ओके बच्चों। तो ये सभी नंबर होते हैं तो उनको कुल मिला के बोला जाता है, मतलब आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, चाहे नेचुरल नंबर ले लीजिए, चाहे इरेशनल, चाहे रेशनल, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, और उनको रियल नंबर बोला जाता है। जैसे कोई मैं बोलूं कि इरेशनल नंबर रियल नंबर है कि नहीं है, हाँ है, ओके ओके बच्चों। तो रियल नंबर आप देख सकते हैं किसको बोला जाता है, और एक तरीके से आप रियल नंबर को समझ सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ओके एक्स एक्सिस में यहाँ आएगा 0,
और यहाँ आएगा इन्फिनिटी, मैं ऐसे बता रहा हूँ इन्फिनिटी तो यहाँ आएगा ही नहीं, उसको तो पता नहीं कब तक आएगा इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, तो इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे सभी रियल नंबर होते हैं, मतलब रियल नंबर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इन दोनों के अंदर जितने भी नंबर आएंगे सब रियल नंबर होंगे, ओके। तो आइए अब हम समझते हैं रियल नंबर के अंतर्गत दो नंबर होते हैं, रैशनल इरेशनल। तो आइए हम इरेशनल नंबर को समझते हैं। इरेशनल नंबर, ओके बच्चों, इरेशनल नंबर आर द रियल नंबर, ओके। रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए सिंपल फ्रैक्शनल। इनको सिंपल फ्रैक्शन जैसे 2/3 मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उसमें हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके बच्चों। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ए रेशियो, इनको रेशियो के भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, और जहाँ P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, ओके बच्चों, और Q हमारा जीरो नहीं है, क्योंकि अगर P/Q अगर Q हमारा जीरो हो जाए तो ये वन ऑफ P/0 तो ये तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है, ओके बच्चों। इट इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ओके बच्चों, मतलब जो रैशनल नंबर के अंतर्गत जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को छोड़ के जो नंबर हमारे पास बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के मैं आपको एग्जांपल ही समझाता हूँ, इरेशनल नंबर जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ जैसे 1.432975467373, मतलब कोई ऐसा नंबर हो जो ऐसे ही चलता चला जाए जिसका कोई सेंस ना निकले, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 4329, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ओके बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, रिपीट भी ना हो टर्मिनेट भी ना हो। अगर इसी के जगह होता 0.666666 तो ये इसका सेंस निकल रहा है, मतलब 0.66 मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ओके बच्चों। या हम लोग का 1.432432432 ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब 432 फिर 432 मतलब 2 के बाद रिपीट नहीं हो रहा, अगर रिपीट हो रहा मतलब बार बार वही आना, इसमें टर्मिनेट हो रहा, 432 432 मतलब ये चीज़ बार बार आ रहा है, लेकिन हम इसको बोलते क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब जो लास्ट में आया है उसके जगह में नेक्स्ट वाले में जो पहला था वो आ जाएगा, ओके। 432 फिर 432 432 ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे रैशनल नंबर है, लेकिन इस ये जो नंबर है इसका कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है, ओके बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। और इसको हम P/Q के भी फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब 2/3 या 4/7 ऐसे फॉर्म में भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ओके बच्चों। कुछ कुछ नंबर हैं जो कि हम लिख सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम का हम एडवांस स्टडी करेंगे जब हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी करेंगे, या मैथ जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब, ओके बच्चों। अभी केवल मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ओके बच्चों। इरेशनल नंबर आपके क्या क्या होंगे, जैसे कि √3 √2, ओके बच्चों, ये हमारे कौन से नंबर हो गए, इरेशनल नंबर। तो आइए अब रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन P/Q के फॉर्म में, इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहाँ Q हमारा जीरो ना हो, ओके। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रियल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंतर्गत सभी नंबर आ जाते हैं, ओके, केवल इमेजनरी नंबर को छोड़ के। तो ये क्या कहते हैं, किसका टाइप है, रैशनल नंबर रियल नंबर का टाइप है। एनी फ्रैक्शनल विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर, ओके, मतलब ये बोलना क्या क्या चाहता है,
2/3 कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है वो जीरो ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर है। ठीक है, हैंस वी कैन से डैट जीरो इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3, ओके। बट 1/0, 2/0 ये क्या कहते हैं, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 2/0 मतलब इनफाइनाइट, 3/0 मतलब इनफाइनाइट। ओके बच्चों, तो आप समझ सकते हैं रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, और ये टर्मिनेट होता है और रिपीट भी होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 0.66666, ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है तो ये रैशनल नंबर है, या टर्मिनेट हो 0.452452452, ये टर्मिनेट हो रहा है। ओके बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ओके, तो आइए हम रैशनल नंबर के अंतर्गत फ्रैक्शनल फॉर्म को समझते हैं। फ्रैक्शनल नंबर, ओके बच्चों, ए फ्रैक्शनल डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द होल थिंग, कोई होल थिंग है उसको पार्ट वाइज में डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, ए पिज्जा इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट, पिज्जा को हम अगर कोई पिज्जा है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका जो 1 पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, 1/4। ये कैलकुलेशन में बहुत इजी होता है, अगर फ्रैक्शनल हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग का कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखा होता 25%, ओके, क्योंकि ये पूरा 100% है, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, 4 पार्ट हैं, 25%, ओके। तो ऐसे तो हम लोग को याद रहता है, वरना कोई ऊट पटांग वैल्यू दे दिया जाए परसेंट में, फिर उसको हम लोग को परसेंट में कन्वर्ट मतलब फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना पड़ता है। 1/0 तो ये आएगा 1/100, ओके, तो ये आएगा 1/4। तो अगर हमें फ्रैक्शनल पता होता है तो हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ओके बच्चों, और किसी चीज़ को जज करने का क्या कहते हैं, बहुत जज करने का किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, मतलब कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग आसान से फील कर सकते हैं अगर फ्रैक्शनल में दिया हो तब। ओके, और ये दिखने में भी सिंपल होता है, फ्रैक्शनल लुक सिंपलर। ओके, तो आप समझ सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर किसे बोलते हैं। अब समझते हैं हम इंटीजर को। इंटीजर्स, ओके, तो इंटीजर हम लोग किसको बोलते हैं जिसमें कोई डेसिमल ना हो। ओके, डेसिमल ना हो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, या -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। और हमारा जीरो भी इंटीजर्स होता है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर्स। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ओके, और ये क्या हो गया, जीरो। ओके, लेकिन जीरो भी हम लोग का इंटीजर में इसकी गिनती की जाती है। ओके बच्चों, इंटीजर समझ सकते हैं आप, और इंटीजर किसका पार्ट है, रैशनल नंबर का ही पार्ट है। ओके बच्चों, रैशनल नंबर का पार्ट है, और रैशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का, जैसा कि मैंने आपको चार्ट दिखाया है। ओके, आइए अब समझते हैं इंटीजर के ही पार्ट है नेचुरल नंबर को समझते हैं हम। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव इंटीजर को केवल इंक्लूड करें। ओके, नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव इंटीजर को इंक्लूड करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इनफाइनाइट तक, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें कोई माइनस नहीं है, ना ही जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर किसको बोलते हैं, जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। अगर मैं इसी में लिख दूँ 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ओके बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ओके बच्चों, आइए अब नेचुरल नंबर के भी कई पार्ट होते हैं,
जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, नेचुरल नंबर के 4 पार्ट होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो इन सभी को समझते हैं। इवन नंबर, ओके बच्चों, इवन नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू एंड जनरेट ए रिमाइंडर जीरो इज कॉल्ड ए इवन नंबर। ओके, जो दो के मल्टीपल होते हैं या जिसको दो से भाग देने पर जो हम लोग का शेषफल या रिमाइंडर जीरो आए, तो ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते 2n तक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके ओके बच्चों, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। देखिए इसको 2 से भाग देंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। इसको भी काटेंगे 2 से, 2 से कट जाएगा दो बार में। इसको भी काटेंगे 2 से, 2 से कट जाएगा तीन बार में। तो जो 2 से कट जाए और उसका जो शेषफल है जीरो आए, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। ओके बच्चों, आइए हम समझते हैं ऑड नंबर को। ऑड नंबर्स आर होल नंबर डैट कैन नॉट बी डिवाइड एग्जैक्टली इनटू पेयर। ओके, ऑड नंबर व्हेन डिवाइड टू लीव ए रिमाइंडर 1। अगर कोई नंबर को हम 2 से भाग दें और रिमाइंडर अगर 1 बच जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 1 2 से भाग देंगे, 0 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर। 3 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ओके, 5 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। ओके बच्चों, 7 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, अब जाके 7 बनेगा। तो ये सब होते हैं ऑड नंबर। ओके, आइए हम समझते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ओके, नंबर हैविंग टू फैक्टर ओनली वन एंड इटसेल्फ, जिसके केवल दो फैक्टर हों, वन और वो खुद, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो एक टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब दो एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। दो क्योंकि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। रीजन क्या है, दो का इसका फैक्टर कितना होता है, दो होता है और वन भी होता है। ठीक है, दो भी होता है और वन भी होता है, और ये इवन भी है और ये प्राइम नंबर भी है। इसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होगा ही होगा और एक तो ये खुद होगा, और किसी से ये कटने वाला नहीं है। ओके, तो ये हो गया प्राइम नंबर। और देखते हैं थ्री खुद से कटेगा या वन से कटेगा, 5 खुद से कटेगा या वन से कटेगा, 7 या खुद से कटेगा या वन से कटेगा, 1 7 जा 7। ओके बच्चों, इसके बाद आता है 9 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 9 खुद से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसलिए अब लेंगे 11 को, 11 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, समझ सकते हैं आप, 13। ओके बच्चों, फिर आता है 13 के बाद 15 तो कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, फिर आता है 70। ओके बच्चों, फिर आता है 90। तो जो खुद से कटे और वन से कटे, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आइए अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, दो से अधिक फैक्टर जिसके हो, जैसे कि 4 हो गया हम लोगों का, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसके ये 2 से भी कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा और 4 4 से भी कट जाएगा, इसलिए इसके 3 फैक्टर हैं। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, और हो गया जैसे 6 को लेते हैं, ये कंपोजिट नंबर है। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 कैसे कटेगा। 2 से अधिक फैक्टर हैं, भले वो 3 हो या 4 हो या 10 हो, 2 से अधिक है ना, मतलब 2 भी है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ओके बच्चों, तो
ऐसे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हों उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आइए हम आगे देखते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे दो नंबर जिसके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3 इन दोनों का HCF लेंगे तो ये क्या आएगा, HCF कितना आएगा 1। जैसे हो गया 5, 7 ओके, इन दोनों का HCF लेंगे, HCF कितना आएगा 1। तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम बोलेंगे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिसके HCF 1 आए उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। एनी प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस 2 आए, भले वो -2 आए या +2 आए ओके, लेकिन डिफरेंस 2 आना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर हम लेते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो खुद और 1। तो जैसे हम लेते हैं 3, 3, 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 3 और 5 ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 भी खुद से कटेगा 1 से कटेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 5 -2 अरे सॉरी 5, 3, 5 में से 3 कटाएंगे 2 आएगा। ओके ओके बच्चों, और हम लेते हैं 2, और हम लेते हैं 2, नहीं, 2 नहीं, 5 और 7 को ओके। तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 5 में से 7 गया या 7 में से 5 गया 2 आएगा, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जो आपको याद करना ही करना है। ओके बच्चों, प्रॉपर्टीज अगर हम, पहला प्रॉपर्टी, अगर हम किसी रैशनल नंबर का किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ जोड़ करें या घटान करें या गुणा करें, मतलब ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें किसी दो रैशनल नंबर को, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, देन सेकंड है, अगर हम किसी रैशनल नंबर का प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें किसी इरेशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल नंबर आएगा एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के। अगर हम रैशनल नंबर की जगह 0 लिख लिए, 0 जैसे कि ये 0 हो गया, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.432759, ये इरेशनल नंबर हो गया सपोज करिए ओके। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 रैशनल नंबर होता है। तो 0 को बस छोड़ के बाकी कोई भी रैशनल नंबर के साथ अगर हम जोड़ घटान या गुणा करेंगे किसी इरेशनल नंबर का, तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा, केवल 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0। और आगे देखते हैं, इरेशनल नंबर का हम ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करें इरेशनल नंबर के साथ, तो वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, इसको कोई कहा नहीं जा सकता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जो कि एलसीएम एचसीएफ के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है। ओके, एलसीएम किसी रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये करना पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। और अगर हम किसी रैशनल नंबर और किसी इरेशनल नंबर दोनों का एलसीएम ले तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है, एलसीएम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और अगर हम इरेशनल इरेशनल नंबर का एलसीएम ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल कब है, सेम नेचर में। जैसे कि एलसीएम अगर मैं √2 और √3 का एलसीएम लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है ओके। और अगर मैं एलसीएम लूंगा √3 और √2, मतलब सेम नेचर के हैं, ये है इसको मान लेते हैं एक्स और ये हो गया 2x, तो ये सेम नेचर के हैं तो ये पॉसिबल है ओके, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ओके। तो एलसीएम एचसीएफ का भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, एचसीएफ
ए और बी का हम अगर एचसीएफ ले और उसका जो आंसर है सी आ रहा है, और वही नंबर का हम अगर एलसीएम ले और उसका आंसर डी आ रहा हो, ओके डी आ रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, मतलब सी बड़ा होगा डी से किसी एक नंबर का एलसीएम एचसीएफ करने पर। ओके बच्चों, एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, लोवेस्ट कॉमन, इसको क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, एलसीएम जो होगा वो बड़ा होगा एचसीएफ से। ओके बच्चों, और जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, मतलब जैसे मैं दो नंबर का एलसीएम लेता हूँ और उसका एचसीएफ भी लेता हूँ, जैसे ए और बी का मैंने एलसीएम भी लिया एचसीएफ भी लिया, और इन दोनों का जो आंसर आ रहा है एचसीएफ आ रहा है सी, एलसीएम आ रहा है डी, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लीकेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ सी इंटू डी, सी इंटू डी, ये इक्वल होगा किसके, जो जिस नंबर का हमने एलसीएम एचसीएफ लिया है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी का हमने एलसीएम एचसीएफ लिया था जिसका आंसर सी भी आ रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा, उसका प्रोडक्ट बराबर होगा। ओके बच्चों, तो आइए हम रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। रेशियो, रेशियो ये तो बच्चे बच्चे पता होगा, ए रेशियो बी, इसको हम ए अपॉन बी भी बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है जो आपको याद रखनी है, ए रेशियो बी, इसको रेशियो बोलते हैं, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, इसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, और क्या कहते हैं, थ्री रूट ए थ्री रूट बी, थ्री रूट ए रेशियो थ्री रूट बी, इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। इफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, देन कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो इज ए सी अपॉन बी डी। ओके, ए रेशियो बी और क्या है, सी रेशियो डी, अगर कोई पूछे इन दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा तो वो होगा ए सी अपॉन बी डी। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सी ए अपॉन बी इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, क्योंकि एम एन तो कट जाएगा एन एन तो कट जाएगा, ये तो आपको बहुत अभी हलवा लग रहा होगा, ये वाली प्रॉपर्टीज आपको शायद तक हंसी भी आ रही होगी, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होता है जो इसी टॉपिक पे बहुत बुरी तरीके से फंसाता है। ओके ओके बच्चों, तो जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब आप हलवे की तरह ना लें, ध्यान से पढ़ें और याद रखें। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ए अपॉन बी, जो रेशियो का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए अनुपाते बी समान अनुपाते, इसको समान अनुपाते बोलते हैं, इंग्लिश में तो मुझे याद आ नहीं रहा है बच्चों, ये होगा सी अनुपाते डी। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये होगा। ओके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन बोले तो मीन मतलब बीच का, बी सी, बी सी बीच बीच वाला, और एक्सट्रीम मतलब ये किनारे किनारे वाला, ए डी, बी सी बराबर ए डी। ओके, तो इसको आप याद रखें, कोई कोई क्वेश्चन आपको फंसाएगा भी अगर इस टाइप में लिख दिया है तो, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बी सी इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए डी, ए डी। ओके बच्चों, तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंपोडेंडो, जो कि आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ रखा है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो कंपोडेंडो प्रॉपर्टी लगाने के लिए बोला जाए तो ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, इन दोनों का प्लस ऊपर में हो जाएगा न्यूमरेटर में और डी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, डिवेंडो, डिवेंडो में प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ए बटे बी तो ए माइनस बी बटे बी, और ये सी बटे डी, तो
तो सी माइनस डी बटे डी। ओके बच्चों, और दोनों को अगर साथ में बोला जाए कंपोनेंडो एंड डिवेंडेंडो लगाओ। ओके बच्चों, तो ए बटे बी तो है ही है, ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी। तो ये इसमें अगर कंपोनेंडो और डिवेंडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, ओके बच्चों, ओके तो हमारा नोटेशन खत्म हो चुका है। एलसीएम एचसीएम का भी कुछ प्रॉपर्टी हमने देख चुका है, नोटेशन हो चुका है, एलसीएम एंड एचसीएम को भी हमने देख चुका है, रेशियो की भी कुछ प्रॉपर्टी हमने देख चुका है, नंबर सिस्टम भी हमने देख चुका है, नोटेशन तो हमने देखी चुका है, एलसीएम एचसीएम रेशियो नंबर सिस्टम और कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टी हमने देखी है प्रॉपर्टीज, ये हमारा क्लियर हो चुका है। ये सब बच्चों आप याद रखें, और देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा लॉग के ऊपर, कि लॉग की जितनी प्रॉपर्टी हैं सभी आपको हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके।